दोस्तों यार, ये फुकरा इंसान कितना बड़ा दोगला है। जब बिग बॉस 20 यादव की एंट्री हुई थी, तब एलबीएस यादव ने उनसे भाई समझकर उन्हें गले मिले थे और उनके चक्कर में सभी कंटेस्टेंट को रोस्ट किया था। लेकिन उसी फुकरा इंसान ने शाम को एलबीएस यादव का बहुत मजाक उड़ाया था उनके चलने की वजह से। लेकिन दोस्तों अब वो मैटर सॉल्व हो चुका है, बताते हैं दोस्तों आपको डिटेल में। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कल एलबीएस यादव के साथ जो एक लड़की बिग बॉस में आई थी उसका नाम है आशिका भट्ट। दोस्तों ये वही लड़की है जिसे एलबीएस यादव ने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के टाइम रोस्ट किया था। और दोस्तों इनका रोस्ट इतना ज्यादा चला था कि लीगल एक्शन लेने पर तक बात आ चुकी और तब से इन लोगों के बीच फ्रेंडशिप नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों इसी चक्कर में शायद बिग बॉस ने इन्हें बिग बॉस हाउस में बुलाया है ताकि इन लोगों की फ्रेंडशिप हो जाए। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की फ्रेंडशिप होगी, क्योंकि दोस्तों जब अभिनाश ने एलबीएस यादव से कहा था कि क्या ये आशिका भाटिया तुम्हारी फ्रेंड है, उन्होंने कहा था इसकी जैसी फ्रेंड होने से अच्छा है मैं इस पानी में डूब के मर जाऊं। और दोस्तों जब एलबीएस यादव को शाम को पता चलता है कि उन्हें आशिका भाटिया के साथ एक ही बेड पर सोना है, तो भाई साहब वो साफ साफ कह देते हैं कि मैं इसके साथ एक बेड पे नहीं सोऊंगा, चाहे मुझे सोफे पर सोना पड़ जाए। मतलब आप सोच सकते हो एलबीएस यादव अभी भी आशिका भाटिया से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। वेल दोस्तों यार, अब हम बात कर लेते हैं एलबीएस यादव और फुकरा इंसान के बारे में। तो देखो कल रात जो फुकरा इंसान एलबीएस यादव की चलाई पर हंस रहे थे उसके बारे में उन्होंने सुबह को एलबीएस यादव को गार्डन में बताया कि मैं जिया और फलक की वजह से तुम्हारे ऊपर हंस रहा था ताकि मैं और जान सकूं कि वो दोनों तुम्हारे बारे में कितना बुरा बुरा बोलती हैं। और एलबीएस यादव ने भी इस बात को मान लिया है कि फुकरा इंसान उनके बारे में इतना बुरा बुरा नहीं बोल सकते और ना ही उनके ऊपर हंस सकते हैं। और दोस्तों एलबीएस यादव ने पूछा तो इस पर फुकरा इंसान ने कहा कि उन लोगों ने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट लेडी की तरह चलते हो। मतलब यार कितना बुरा बुरा बोला गया था एलबीएस यादव के बारे में, और शायद इसीलिए फुकरा इंसान उनकी साइड ले रहे थे ताकि उनकी बातें फुकरा इंसान को पता चल सके और वो एलबीएस यादव को बता सके। अब दोस्तों देखना एलबीएस यादव कितनी बुरी तरीके से उन लोगों को रोस्ट करते हैं। वेल दोस्तों यार, ये कंट्रोवर्सी यहीं पर क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और अगर आपको मूवी रिव्यू और बिग बॉस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।